डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा में गवर्नमेंट के इस्लाहाती झंडे और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद उस्मान महसूद के विजन और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात हेडक्वार्टर हामिद रहमान की निगरानी और उनकी रहनुमाई में सुपरिटेंडेंट जेल मानसेरा राशिद अहमद की काविशों से जश्न आजादी पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम रखा गया। जश्न आजादी की तकरीबा डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा में बड़ी धूमधाम और मिली जोश और जज्बे से मनाई गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा को बरकी कुमकुमों झंडों बैनर्स और कौमी परचमों से रोशन और आरास्ता किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा में मुनक़द होने वाले प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू अली इम्तियाज थे, जबकि इस मौके पर रेस्क्यू 1122 के अफसरान और एहलकारान भी एम्बुलेंस के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा हाफिज राशिद अहमद, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस्मान हार और उनकी टीम की तरफ से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया, जिसके बाद कैदियान और हवालातियों की तरफ से हम नात मिली नगमे माइय तकारीर रवायती और सकाफती खेल मौसीकी और तकारीर का इनेकाद और मुकाबला किया गया। जबकि जेल में स्पोर्ट्स गाला भी मुनक़द हुआ जो की जश्न आजादी की इसी तकरीब का हिस्सा था, जिसमे क्रिकेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट रसाकशी म्यूजिकल चेयर वगैरह के फाइनल मैचों का इनेकाद जिसमें कैदियान और स्टाफ की टीमों के दरमियान मुकाबले हुए, जिनमें जीतने वाले खिलाड़ियों और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मेडल्स ट्रॉफियां शील्ड्स और तहाइफ और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। जबकि सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा हाफिज राशिद की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी पर स्टाफ को भी तारीफी असनाद से नवाजा गया। मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू अली इम्तियाज और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा हाफिज राशिद ने कैदियान और हवालातियों और स्टाफ से खिताब भी किया और जश्न आजादी के हवाले और आजादी जैसी नेमत पर बात भी की। इसके अलावा बाहर से आने वाले मुअज्जज मेहमानान गिरामी और मीडिया के कारों ने डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा में मुनक़द आजादी पाकिस्तान की इस पुरवकार तकरीब की कवरेज की और तमाम इवेंट जिनमें स्पोर्ट्स गाला सकाफती और तफरीही मेला फूड स्टॉल असीरान की जानिब से बनाई गई एशिया की नुमाइश और दीगर को मिसाली करार दिया। मौके पर जेल के तमाम अहम हिस्सों में बैनर्स भी आवेजा किए गए। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा हाफिज राशिद अहमद ने हवालातियान और कैदियों को खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए जेल के अंदर फूड स्ट्रीट का इनेकाद भी करवाया, जिनमें हर चीज के ऊपर बैनर आवेजा किए गए थे जो की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने की एक काविश है। तमाम तकरीब के दौरान रेस्क्यू 1122 के तावन से एक एम्बुलेंस किसी भी नागहानी आफत से निमटने के लिए जेल के अंदर मौजूद थी, जबकि हवातीन हवालातियों के लिए भी जश्न आजादी की तकरीब इसी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई, जिसमें हवातीन हवालातियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा हम नात मिली नगमे फूड स्टॉल्स तकारीर टेबलों का इनेकाद जनाना सेक्टर में भी किया गया और बच्चों में खिलौने और हवातीन में कपड़े ट्रॉफियां मेडल्स वगैरह तकसीम किए गए। आखिर में सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा हाफिज राशिद अहमद ने अपनी तमाम टीम और बाहर से आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, सदारती कलमात के साथ जश्न आजादी की इस तकरीब का अहतमाम किया।